अगर आपने पैसे बचाने हैं फिर आपका टाइम नहीं बचेगा, अगर आपने टाइम बचाना है फिर आपके पैसे नहीं बचेंगे, तो एक ना एक चीज़ की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तो आज के व्लॉग में आप देखोगे कि मैंने बस में ट्रैवल किया। मानोगे मुझे ऑलमोस्ट कुछ 3 साल हो गए व्लॉगिंग करते हुए, लेकिन आज तक मैंने बस में ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उस वक्त मेरे पास गाड़ी थी। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली सीरियसली व्लॉगिंग तो कुछ 1.5 साल से ही स्टार्ट की हुई है। अब आप देखोगे मैंने बस में ट्रैवल किया, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसी फैसिलिटीज़ है बस की यहाँ पर, और बस में ट्रैवल करना सही है या नहीं हेलीफैक्स में, तो आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो मेक श्योर आप लास्ट तक देखना ब्लॉग। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा ब्लॉग, यू नए या मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे एक वीडियो। लेट्स स्टार्ट दैट ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग। ऑनलाइन ग्लास गार्ड्स ऑर्डर किए थे, ये है आईपैड, तेरी टूट ना जाए, ग्लास गार्ड्स आईपैड के हैं। बाहर धूप देख रहे हो कितनी बढ़िया निकली हुई है, बहुत बढ़िया मौसम हुआ है बाहर आज तो। अभी इसके ग्लास गार्ड्स अप्लाई करते हैं अपने। इनका ट्यूटोरियल देख रहा हूँ पहले लगाने से पहले। फोन के ग्लास गार्ड्स तो बहुत लगाए हैं, ऑलमोस्ट लगाता ही रहता हूँ, आईपैड का पहली बार लगा रहा हूँ और ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ग्लास गार्ड लगाना कोई आसान बात तो है नहीं ना। सही चल रहा है, गार्ड के ऊपर भी सही चल रही है, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी चीज़ों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो एप्पल केयर हो या फिर गार्ड हो, कि इसलिए मैं अपना स्क्रीन गार्ड वगैरह लगा कर रखता हूँ अपने फ़ोन पर भी, और आईपैड लिया तो आईपैड पर भी लगा लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चीज़ें काफ़ी गिरती हैं। आईपैड तो चलो इतना नहीं गिरेगा, क्योंकि इसको बाहर कहाँ लेके जाऊँगा मैं, बस घर पर बैठ कर यूज़ करना है, लेकिन फ़ोन वगैरह मेरा काफ़ी ज़्यादा गिरता है। मौसम देखो बाहर कितना बढ़िया हुआ है, घड़ी में आज फिर अपनी भूल गया। शिट, अभी जा रहे हैं हम पैसे निकलवाने के लिए, कैश निकलवाने के लिए मानिस के साथ। तो अभी मानिस के साथ आया हूं मैं यहां पर स्कोशिया बैंक, सबसे पहले कैश निकलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, आपको पता होगा गाड़ी मैंने अपनी बेच दी थी। तो आज हमने अपनी कटिंग करवाने के लिए जाना है, लेकिन कटिंग करवाने के लिए बस में जाना पड़ेगा, उस लड़के के घर पर ही जाना है, लेकिन उसके घर ही बस में जाना पड़ेगा। अगर हमने गाड़ी में जाना होता है ना तो 7 मिनट की ड्राइव है, लेकिन अगर हमने बस में जाना है तो 40 मिनट लगते हैं बस में जाने के लिए। तो अभी पहले कैश निकलवाते हैं। अभी $40 कैश निकलवाया है, $35 लगते हैं ना हेयर कट के वहां पर जब उसको देता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं बस में जाऊंगा, अभी तो मानित के साथ ही हूँ। मानित वहां पर सामने गैस स्टेशन पे तेल डलवा रहा है गाड़ी में। अब ये मानित मुझे टर्मिनल पर छोड़ देगा, टर्मिनल भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जो हैलिफैक्स का बस टर्मिनल है वहां पर ये मुझे छोड़ देगा, फिर वहां से हमें बस में जाना पड़ेगा। वाले चलो अभी जा रहे हैं कार वॉश करवाने के लिए मानित की एंट्रेंस। ये ऑटोमेटिक कार वॉश है, $15 लगते हैं, लेकिन फ्री में मिल गई मानित को। ये है हेलिफैक्स ट्रांजिट की टिकट्स। अब ये हमें टिकट्स लेनी पड़ती है बस में जाने के लिए। ये एक टिकट का प्राइस है $2.45, ठीक है, 2.45 की एक टिकट आती है। तो ये मतलब ऐसा है कि किसी की जिनके पास पास नहीं होता उनको टिकट बाय करनी पड़ती है। सो दिस इज हैलिफैक्स बस टर्मिनल, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, माफी चाहता हूँ उसके लिए, अगली बार जाऊंगा फिर दिखाऊंगा व्लॉग में। लेकिन हाँ, काफी बड़ा तो नहीं कह सकते, ब्रैम्पटन के मुकाबले काफी छोटा था, लेकिन हाँ बसेस वगैरह जितनी होंगी उसी के हिसाब से टर्मिनल होगा ना फिर, लेकिन सही था फिर भी।
अभी बस ने उतार दिया है। तब यहाँ पर यहाँ हवा काफ़ी चल रही है, मे भी आपको आवाज़ सही ना आ रही हो। यहाँ पे बस ने उतारा ना, वहाँ से अभी 7-8 मिनट की वॉक है। यहाँ पे हमने कटिंग करवाने जाना है उसके घर तक। फाइनली पहुँच गए हैं हम अपनी लोकेशन पर। फाइनली थक गया मैं तो, जब चलना पड़ता है ना, चढ़ाई होती है तो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन ये है कि बिना बस के वॉक भी होता है अच्छे से, फिर मज़ा आता है। हाँ जी भाई खोल दो। फाइनली पहुंचे हैं अपार्टमेंट में। तो अपार्टमेंट में कटिंग करवानी थी हमने, तो बस में आने के लिए ऑलमोस्ट कुछ 15-20 मिनट लगे, और फिर बाकी आगे वॉक था कुछ 5-7 मिनट का। तो ऑलमोस्ट कुछ टोटल टाइम 25 मिनट का लगा। कटिंग अपनी डन हो गई है, देखो जरा पूरी कटिंग वगैरह करवा ली है, लेकिन अभी मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से। पूरे 7:25 हुए हैं और अभी बस लेनी है दोबारा जिम के लिए। अभी जा रहा हूँ मैं जिम, फिर जिम के बाद घर जाएंगे। अब अगर निकला ही हूँ तो घर से, मैंने सोचा फिर क्यों ना जिम जाकर फिर बाद में ही घर जाऊँ, क्योंकि घर जाकर वापस जिम आना बस में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी बैग में लेकर आया था जिम वाला, ओहो पानी भरना था यार उसमें, भूल ही गया। प्री वर्कआउट पीना था, प्री वर्कआउट ले भी साथ में लेकर आया था, बीच में पानी भरना भूल गया, यहीं से भरना था। कोई बात नहीं, अब जिम जाकर भरूंगा। तो वो पास में ही है, जिम जाने के लिए कुछ 8 मिनट ही लगेंगे, बस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब सर को ठंड लग गई है, कटिंग करवा लिया। अब ये अच्छे नहीं लग रहे होंगे इतने बाल, लेकिन जब नहाऊंगा सेट करूंगा तब अच्छे लगेंगे। तो अभी पूरे 7:27 मिनट हुए हैं। देखो शॉर्टकट, जब बस में जाना होता है ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से पूरा घूम कर आगे, सड़क से सड़क होते हुए वहाँ पर जाओ, लेकिन हम यहीं से शॉर्टकट लेकर सीधे वहीं पर पहुँच जाएंगे, टाइम सेव होएगा हमारा काफ़ी। तो अभी पूरे 7:30 हुए हैं और बाहर मौसम देखो कितना बढ़िया हुआ है ना, धूप निकली हुई है लेकिन ठंड होने लग गई है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड सी होने लग गई है, जब जिम से निकलूंगा तब और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। ये अकेली पहन कर आया हूँ, इसमें और भी ज़्यादा लगेगी। बसेस वगैरह में जाने का ना यही फ़ायदा होता है। जब मैं ब्रैम्पटन में स्टूडेंट लाइफ में था ना, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था इतनी, ये वाली व्लॉगिंग तो बिल्कुल नहीं करता था जब मैं बसेस वगैरह में जा रहा था। आज तक मैंने बस में व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन अभी मैं बस में घूमना शुरू किया है, तो अभी आपको सारा कुछ दिखेगा जैसे जैसे बस में कहीं भी जाया करूँगा। वो रहा अपना स्टॉप वहाँ पर, या वो वहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, वहाँ पे अपना स्टॉप है। बस आ जाएगी अभी कुछ ही मिनट में, कुछ 2-4 मिनट में बस आ जाएगी। अभी 10 मिनट पहले ही बस से उतरा था, जरा सुपर स्टोर गया था, फिर वहाँ से केले खरीदे और साथ में एक जब बार ली, भूख लगी थी थोड़ी सी, प्रोटीन बार है। अभी पहुँचा हूँ जिम, गुड लाइफ। बसेस का टाइमिंग काफ़ी बढ़िया लगा मुझे अभी तक। अगर आपको हैलिफैक्स ट्रांजिट की बात बताऊं तो टाइमिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है। कुछ देर बाद, ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद एक बस आई जाती है, तो इसलिए स्केड्यूल भी सही है उनका। और अगर आपने बसेस में हैलिफैक्स के अंदर सफ़र करना है तो वो भी बहुत बढ़िया है। अभी टावल लेकर आया हूँ इनसे, तो अभी पहले नहाऊँगा मैं, फिर बाद में जिम लगाऊँगा, क्योंकि बाल वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं ना सर पे, तो वो निकल जाएँ पहले, फिर जिम वगैरह लगाऊँगा। तो अभी रात के 10:50 मिनट हो गए हैं पूरे, और अभी मैं बस स्टॉप पे बैठा हूँ। जिम काफ़ी टाइम लगाई आज, कुछ 2.5 से 3 घंटे जिम लगाई मैंने। पहले नहाया था जाकर, फिर नहाने के बाद जिम लगाई, बाल देख रहे हो मेरे, नहाने के बाद फिर से पसीने से भीग गया था, लेकिन बढ़िया है, मज़ा आया जिम लगा कर। बहुत खुला टाइम था क्योंकि कल मेरा काम नहीं है ना। अब वहाँ से एक बस लेके आया मैं यहाँ तक, येवले स्टॉप तक। अब यहाँ से एक और बस लेनी है, फिर वो जाएगी मेरे घर तक। वो बस आएगी अभी 10 मिनट में। हैलिफैक्स की जो एक बात मुझे सबसे बढ़िया लगी है ना, वो ये है कि ये जब टिकट्स बाय करते हो ना, जो कन्वीनियंस स्टोर से लेनी पड़ती है, तो ये टिकट आपकी पूरा दिन चलेगी, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे चलेगी। ब्रैम्पटन में क्या है कि अगर आपने एक टिकट ली
या फिर आपने टैप किया प्रेस्टो का, तो फिर वो सिर्फ 2 घंटे तक चलेगा, 2 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, ये अपनी टिकट आपकी पूरा दिन चलेगी, पूरा दिन। अगर आपने एक बार सुबह टिकट ले ली, पूरा दिन कहीं भी घूमते रहो एक टिकट के साथ, वो भी सिर्फ $2.5 में। और क्या चाहिए बंदे को, कितना ज्यादा सस्ती ट्रांसिट है यार हैलिफैक्स की, मुझे पता नहीं था ये वाली बात। मुझे लगता था कि सिर्फ 2 घंटे चलती है, लेकिन मस्त चीज है ये तो। और हाँ, आप सेम टिकट अगले दिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक दिन जो टिकट का कलर होता है ना, वो डिफरेंट होता है। इसलिए आप एक टिकट बस एक ही दिन यूज कर सकते हो। मेरा स्टॉप उस तरफ है वहां पर, यहाँ पर मैं इसलिए अगर बैठ गया क्योंकि ये कवर्ड है पूरा का पूरा अंदर से, ये देखो। तो यहाँ पर हवा नहीं लगती, ठंड हो गई है ना बाहर, तो मैंने सोचा कि 2-3 मिनट पहले चला जाऊंगा वहां पर जब बस आएगी, क्योंकि बसेस हमेशा टाइम पे ही होती है यहाँ पे। चलते हैं अभी। वो देखो, वो सामने कब्रिस्तान है, देखो कितना बड़ा है ना। जब हम बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करते हैं, तब असल में पता चलता है कि सिटी कैसी है। जैसे ये देखो, अब यहाँ यहाँ पर बस का स्टॉप बना हुआ है ना, वहाँ वहाँ पर इन्होंने डस्टबिन लगाया हुआ है, एक यहाँ पर, एक वो सामने, वो देखो वहाँ पर स्टॉप है, वहाँ भी डस्टबिन पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट हर एक स्टॉप पे। इससे पता चलता है कि सिटी को ये कितना क्लीन रखना चाहते हैं। भले ही सिटी छोटी है, लेकिन इन्होंने संभाल कर रखी हुई है। जितनी सोची थी उससे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। 16 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और 4 डिग्री फील्स लाइक है, मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, इतनी ठंड है। मतलब मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था ठंड को, कि गर्मी आ गई है। कोई बात नहीं, आगे से ना अगर जब भी बस में आया मोटे कपड़े पहन कर आऊँगा। ये तो मैं गलती कर दी, मैंने सिर्फ यही जो पहन कर आया ना। पूरे 11:01 हुए हैं एंड फाइनली आई एम रीचिंग माई होम स्वीट होम। बस में तो भाई बहुत टाइम लग जाता है, मतलब गाड़ी में अगर मैं आता ना, सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है जिम से सिर्फ मेरे घर तक की, गाड़ी में 5 मिनट, 5 से 7 मिनट लगने थे गाड़ी में, दैट्स इट। इतना पास है जिम, और अब तो ट्रैफिक भी नहीं होता इसलिए बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन बस में देखा आपने, ऑलमोस्ट मुझे 40 मिनट लग गए जिम से निकलते हुए घर पहुँचते हुए, 40 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे बस में। लेकिन गाड़ी से तो सस्ता ही पड़ता है अगर आपके पास टाइम है। अगर आपने पैसे बचाने हैं फिर आपका टाइम नहीं बचेगा, अगर आपने टाइम बचाना है फिर आपके पैसे नहीं बचेंगे। तो एक ना एक चीज़ की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन फाइनली आई एम रीचिंग माई होम। तो बस फिर आज का व्लॉग इतना सही था। तो जिम के बाद मैं घर आ गया था, फिर बाद में घूम फिर कर अपना, काफी बढ़िया लगा मुझे हैलिफैक्स ट्रांजिट। अगर आपको ओवरव्यू दूं मैं, हैलिफैक्स के अंदर बसेस की सर्विस काफी बढ़िया है, आपको जगह जगह पर बस मिलेगी। लेकिन हाँ, टाइम काफी लगता है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ बस सर्विस बढ़िया है। अगर आप आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप बसेस में कहीं भी आराम से जा सकते हो, इजिली आप कम्यूट कर सकते हो बसेस में। हाँ ऑब्वियसली हैलिफैक्स के बाहर इतनी बढ़िया सर्विस नहीं है, डार्टमाउथ में भी थोड़ी सी बढ़िया है, लेकिन हैलिफैक्स के बाहर इतनी खास कुछ बढ़िया सर्विस नहीं है बसेस की, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया है। अगर आप हैलिफैक्स आ रहे हो तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके मुझे बताना कब आ रहे हो और कौन सी स्टडी वगैरह लेकर आ रहे हो या कैसे आ रहे हो। तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम स्टे सेफ, कीप वॉचिंग करना ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।